नमस्कार साथियों, मैं मिसेस स्वाति वर्मा आपका अपने इस चैनल आयुर्वेदा इमॉर्टल्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नाक से संबंधित रोगों की श्रृंखला में हम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम नक्सीर के विषय में लेके आए हैं। नक्सीर नासागत रक्तपित्त या एपिस्ट्रैक्सिस। जी हाँ, यह रोग गर्मी के दिनों में जब ब्लड वेसल्स में बहुत ज़्यादा ब्लड बढ़ जाता है तो वे वेसल्स फट जाती हैं। इनके फटने का कारण है यकृत में यानी लिवर में गर्मी, फीवर, बच्चों के पेट में जनरली वर्म्स की प्रॉब्लम रहती है। जब टीनएज में लड़कियाँ आती हैं तो उनकी मेंसेस पीरियड स्टार्ट होते समय यह प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है। सिर में गर्मी बढ़ जाए या ड्राइनेस आ जाए, धूप में अधिक घूमने के कारण धूम्रपान जैसी चीज़ें करना, पान चबाना, नाक खुजाना या छींकना या बहुत ज़्यादा जोर से खखारने के कारण भी यह समस्या खड़ी हो जाती है। यदि रक्त की अधिकता के कारण या फीवर के कारण ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है तो इमीडिएट ब्लीडिंग को बंद ना करें, थोड़ी देर उस ब्लड को बहजान दें, उसके बाद उसका उपचार करें। यदि दुर्बलता या गर्मी के कारण नक्सी हुई है तो माथे पर ठंडे पानी के छींटे मारें। 1 ग्राम कपूर को धनिए के रस में घोलकर 2 से 3 बूंद उस रस को नाक में टपकाएं, या फिर 1 ग्राम गेहूं को पानी में पीसकर 20 ग्राम मिश्री मिलाकर सुबह शाम पिलाएं, या सूखा आंवला 10 ग्राम मुल्तानी मिट्टी 10 ग्राम पानी में पीसकर सिर पर और माथे पर लेप करें। हरी काई यानी जो पुरानी दीवारों पर मॉस डेवलप हो जाती है उसे, उसका भी लेप कर सकते हैं। यदि ड्राइनेस के कारण समस्या है तो बादाम या कद्दू के तेल की सिर पर मालिश करें, साथ ही साथ नाक में टपकाएं, या फिर 2 बादाम के बीच 3 ग्राम कपूर पानी में पीसकर इसमें 10-10 ग्राम कद्दू का तेल और गाय का घी मिलाकर फिर लंबी सांस अंदर की तरफ खींचते हुए सूंघें। हरे आंवले को पीसकर माथे पर लगा सकते हैं। अब यदि ब्लीडिंग राइट नॉस्ट्रिल से हो रही है, इसका मतलब लिवर में प्रॉब्लम है। यदि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हो रही है ब्लीडिंग तो इसका मतलब आपको स्प्लीन में प्रॉब्लम है। ध्यान रखें, परहेज यदि करेंगे तो आपकी समस्या खड़ी नहीं होगी। उसके लिए आप अधिक धूप से बचें, मांस, लहसुन, प्याज, गुड़ और मसालेदार जैसे खानों से परहेज करें, स्पेशली गर्मी के दिनों में। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने इन परेशानियों से बचे रहेंगे। इसके अलावा आपके पास और भी यदि कोई उपाय है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जितने ज़्यादा प्रकृति के पास पहुँचेंगे, हम अपना जीवन और इस पृथ्वी को सुंदर और स्वस्थ बना सकेंगे। तो हमारे इस मिशन में शामिल रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एक दिन वह आएगा कि यह पृथ्वी स्वर्ग की तरह बन जाएगी। आप अपना अमूल्य समय हमें दे रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।